फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। USDA के अनुसार अमेरिका में सोयाबीन का रिकॉर्ड उत्पादन का रकबा दर्ज किया जा सकता है। USDA ने पिछले हफ्ते अनुमान लगाया था कि अमेरिकी किसान इस वसंत ऋतु में 91 मिलियन एकड़ यानी 36.8 मिलियन हेक्टेयर में सोयाबीन की खेती कर सकते हैं, जो कि अब तक सबसे अधिक है और रिकॉर्ड है। जहां USDA ने अमेरिका में सोयाबीन की बुआई का रकबा ज्यादा रहने का अनुमान लगाया है, वही मक्के का रकबा पिछले साल से 4% कम 89.5 मिलियन एकड़ रहने का अनुमान दिया है। दरअसल सोयाबीन में मक्के के मुकाबले कम खाद का इस्तेमाल होता है। वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से खाद की किल्लत देखने को मिल सकती है। इसी बीच अमेरिका में खाद की सप्लाई की चिंता भी व्यक्त की जा रही है, जो कि अगर जल्द ही सुलझाई नहीं गई तो आगे सोयाबीन समेत होने वाली अन्य फसलों के लिए मुसीबत बन सकती है। वहीं चीन लगातार अमेरिका से सोयाबीन का आयात कर रहा है। खबरों के मुताबिक सोयाबीन खली की बढ़ती डिमांड और सीमित उपलब्धता के चलते चीन के 2022-23 में रिकॉर्ड 100 मिलियन टन सोयाबीन आयात करने की उम्मीद है। अमेरिका में रिकॉर्ड सोयाबीन बुआई के रकबे के अनुमान के चलते मार्केट सेंटीमेंट थोड़े नरम पड़े हैं, जिससे सोयाबीन की कीमतों में नरमी देखने को मिली है। इसका असर US सोयाबीन वायदा पर भी देखने को मिला। जिस हिसाब से क्रूड के भाव कम हुए हैं, उसका भी असर कहीं ना कहीं तेल तिलहन की कीमतों पर पड़ता दिखाई दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।